हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रूप। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कीजिए। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि अगर हमने अपनी जो क्रीम लिपस्टिक्स होती हैं, क्रीम लिपस्टिक्स जो होती हैं, जो ट्रांसफरेबल लिपस्टिक्स होती हैं, जिनकी स्टेइंग पावर जो है वो 3 से 4 घंटे तक होती है और उसके बाद हमें उनको रीअप्लाई करना पड़ता है, लेकिन व्हाट इज़ द ईजीएस्ट मेथड जिसके थ्रू हम अपनी लिपस्टिक्स की स्टेइंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं कि हमें उनको बार बार रीअप्लाई ना करना पड़े। अगर हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो हम कुछ खा पी रहे हैं और हमारी लिपस्टिक उतर रही है और हमें फिर से उसको रीअप्लाई करना पड़ता तो वो बहुत ही ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है। तो हम ऐसा क्या करें जिसके थ्रू हम अपनी लिपस्टिक को ज़्यादा देर तक टिका कर रख सकें। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू आप अपनी लिपस्टिक को कुछ घंटों तक और उसकी स्टेइंग पावर को इंक्रीज कर सकते हो। सो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहला चीज़ क्या होनी चाहिए, आपके लिप्स मॉइस्चराइज्ड होने चाहिए, डेड स्किन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए लिप्स के ऊपर। अगर आपकी स्किन जो है लिप्स की ड्राई या फ्लेकी होगी तो लिपस्टिक अच्छी नहीं दिखेगी, तो उसको स्मूथ और सप्पल सबसे पहले कर लीजिए। उसके बाद लिपस्टिक हमेशा लिपस्टिक ब्रश से स्टार्ट कीजिए, अपने लिप्स को शेप कीजिए लिपस्टिक ब्रश के साथ। अगर आप डायरेक्टली लिपस्टिक लगाते हो उससे क्या होता है कि आपकी लिप्स को प्रॉपर शेप नहीं मिलती है और आपकी लिपस्टिक बाहर बहुत जल्दी फैलने लग जाती है, लेकिन जो लिपस्टिक ब्रश होता है वो आपके लिप्स को एक प्रॉपर शेप देता है और आपकी लिपस्टिक को फैलने से बचाता है। तो आपने प्रॉपर वे से इसको शेप अप कर लेना है अपने लिप्स को, जिस तरह की शेप आप चाहते हो। इसको शेप करने के बाद इसके अंदर मैं लिपस्टिक को फिल कर दूंगी। तो ये फर्स्ट कोट है मेरा लिपस्टिक का, मैंने इसको अपने लिप्स के अंदर फिल कर देना है। फर्स्ट कोट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैं एक और कोट लगाऊंगी। तो इसको लगाने के बाद आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर लेना है और टिश्यू पेपर को अपने लिप्स के ऊपर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद उसके ऊपर आपने टैल्कम पाउडर रब करना है। ये देखिए मैं टैल्कम पाउडर रब कर रही हूँ। ये क्या कर रहा है, मेरे लिप्स के फर्स्ट कोट को सील कर रहा है। अगर आपका सेकेंड कोट उतर भी जाएगा ना, ये जो फर्स्ट कोट है ये नहीं उतरेगा। ये सेकेंड कोट लगा लिया मैंने और आपकी जो लिपस्टिक है इसकी स्टिंग पावर कई घंटों तक इंक्रीज होगी।